हे फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम है और गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाते हैं ये लॉलीज या फिर पॉप्सिकल्स। से तो ये बहुत तरह से और बहुत टेस्ट में बनते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लेमन मिंट लॉलीज या पॉप्सिकल्स। बहुत ही मजेदार टेस्ट है फ्रेंड्स इसका, घर में आप जरूर ट्राई करिएगा। कोशिश करिएगा कि ये गर्मी आप बच्चों को बाहर का आइस ना खिलाएं। जब घर में ये इतनी आसानी से बन जाते हैं तो हमें बाहर के केमिकल्स खाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बिना देर किए इसे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ आधा नींबू और इसे काट लेंगे चार टुकड़ों में और डालेंगे इसमें 10 से 12 बिल्कुल फ्रेश पुदीने की पत्तियाँ। और अब मैं इसमें डालूंगी 2 से 2.5 टेबल स्पून चीनी। आप चाहें तो पिसी चीनी ले सकते हैं, मैं यहाँ पिसी चीनी नहीं डाल रही हूँ। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और अब हमें क्या करना है, इसे हम हल्का हल्का सा क्रश कर लेंगे। ये जो खलबत्ते का खल होता है वो आप ले लीजिए, या बेलन का पिछला वाला भाग भी ले सकते हैं। और बिल्कुल हल्के हल्के हम इसे क्रश करेंगे ताकि पुदीना क्रश हो जाए और जो लेमन में थोड़ा ऑयल होता है वो भी बाहर आ जाए। इससे बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आता है। बहुत ज्यादा नहीं क्रश करना है हमें, बस हल्का सा कि नींबू का जो रस है वो निकल जाए। और अब इसमें 1/4 छोटा चम्मच में नमक ऐड करूंगी। अगर आपके पास काला नमक है तो आप उसे यूज जरूर कर लीजिएगा। और अब इसमें मैं डालूंगी 1 नींबू का रस। और इसमें मैं बनाने वाली हूँ अपनी आइस लॉली को। और इसमें मैंने नाप लिया है, इसमें 1 गिलास पानी आ रहा है। और अब डाल देंगे इसमें 1 गिलास पानी। और अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे तब तक जब तक चीनी घुल नहीं जाती। और जब चीनी घुल जाएगी तो हम नींबू को साइड कर लेंगे। मैं नहीं चाहती कि जब बच्चे आइस लॉली खाएं तो उनके मुंह में ये नींबू आए। इसका टेस्ट बहुत अच्छे से आ गया है, बस इसे हम साइड कर लेंगे। और चलिए अब इसे हम मोल्ड में भर लेते हैं और इसे अब हम बंद कर देते हैं और रख देंगे फ्रिज में करीब 7 से 8 घंटे के लिए, तब तक जब तक ये जम नहीं जाता। चलिए, पिछले 7 से 8 घंटे से ये फ्रीजर में रखा हुआ था और अब हम इसे देख लेते हैं जमा है कि नहीं। इसे खोलने से पहले आप थोड़ी देर के लिए इसे पानी में रख दीजिएगा ताकि ये आसानी से निकल जाए। और देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। लीजिए, ये जो हमारी लेमन मिंट लॉलीज है ये बिल्कुल बनके तैयार है। आप इसे घर में जरूर ट्राई करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिलके इसके मजे लीजिएगा। मैं मिलूंगी अब आपको अपनी अगली डिश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी कुकिंग।